धोरण 10 ની बोर्ड ની પરીક્ષાનું નું પરિણામ 6 જૂને આવશે। જી હા, આ એક મોટી ખબર ઝી 24 કલાક પર। ધોરણ 10 ની બોર્ડ ની પરીક્ષાનું પરિણામ 6 જૂને આવી રહ્યું છે। આવતીકાલે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રમાણનું પણ પરિણામ છે। તો પરિણામની મોસમ અને પરિણામની મોસમમાં ધોરણ 12 સાયન્સ બાદ હવે વધુ એક પરિણામ ધોરણ 10 નું 6 જૂને આવી રહ્યું છે। આવતીકાલે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રમાણનું પરિણામ છે। આર્ટ્સ કોમર્સ નું પરિણામ આવતીકાલે છે ને ધોરણ 10 નું 6 જૂને પરિણામ આવવા જઈ રહ્યું છે। તો જેની રાહ જોવાતી હતી એ ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહ સામાન્ય પ્રવાહનું આવતીકાલે છે શનિવારે, અને ધોરણ 10 બોર્ડનું પરીક્ષાનું પરિણામ 6 જૂને। અતુલ જોડાય છે। અતુલ, જેની રાહ જોવાતી હોય છે પરિણામની અને બંને પરિણામ 12 સામાન્ય પ્રવાહ આવતીકાલે અને ધોરણ 10 નું 6 જૂને। बिल्कुल झलक बात करिए तो 12 सामान्य प्रवाह की परीक्षा 527 केंद्रों पर लेवाई थी। 4 लाख की वधु विद्यार्थियों आ परीक्षा आपी थी, जेनु परिणाम आती काले जाहिर थशे। अने धोरण 10 की बात करिए तो 6 जून ना रोज परिणाम जाहिर थवानुं छे। धोरण 10 की अंदर अंदाजे 14 लाख जेटला विद्यार्थियों समग्र राज्य में परीक्षा आपी थी। घना लांबा समय थी विद्यार्थियों पोताना परिणाम की राह जोई रहा था। धोरण 12 साइंस नुं ज्यारे परिणाम आव्युं ए वखते पण शिक्षण मंत्री जीतू वाघाणी तरफ थी कहेवामां आव्युं हतुं के जून महीनाना प्रथम अठवाडियानी अंदर धोरण 10 अने धोरण 12 सामान्य प्रवाह परिणाम है जाहिर कर प्रमाण परिणाम है जाहिर थे। खास आ वक्त महत्व की बात यह कि परीक्षाओं लगभग सामान्य रीते मार्च महीना शुरुआत में लेवाती थी, परंतु कोरोना ने कारण आ वक्त परीक्षा 15 दिवस मोड़ी लेवाई, परंतु परिणाम कही शकाय के जे नियत समय है तो मुजब परिणाम जाहिर थी रही है। और धोरण 12 बाद आगना जो कोर्सों की अंदर विद्यार्थियों पोते प्रवेश लेवा है प्रक्रिया लगभग समयसर शुरू थी सकते। और धोरण 10 नुं परिणाम 6 जूने आ रही है, एटले आग कॉमर्स साइंस और आर्ट्स में जो विद्यार्थियों आग अभ्यास करवानो छे तेमनी पण शाळा लगभग 13 तारीख थी खुली रही है, एटले ए पण समयसर खुली सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल आभार अतुल। तो आखरे सवारे 8 वाग्या परिणाम जाहिर कराशे, जेनी राह जोवाती हती ये परिणाम धोरण 10 नुं 6 तारीखे, आवतीकाले धोरण 12 सामान्य प्रवाह नुं परिणाम।